तो हम जिम्मेदारी बताओ किसकी है? अगर आपको थोड़ी सी है, आपको गेम्स खिलाते हैं, शिक्षा करने हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षा शिक्षक हमें सिखाते हैं। सत्य के पथ पर चलना शिक्षक हमें सिखाते हैं। जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षक हमें सिखाते हैं। खुद थे, किसी से पूछते बड़ों को क्या बोलोगे, मैडम बनेंगे। ऐसा सा कुछ बचपन में बच्चों के अंदर ये भाव रहता है कि मैडम बनेंगे, टीचर बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक जो शिक्षक और जो विद्यार्थियों के बीच का जो समन्वय है वो पहले जैसा नहीं है। अब शिक्षक दिवस के मौके पर बाबरपुर वार्ड से निगम पार्षद कुसुम तोमर ने आज अपने वार्ड के अंदर शिक्षकों को सम्मान दिया है। निगम स्कूल के अंदर हमारे बीच में मैम, सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के मौके पर क्या शुभकामनाएं? शिक्षक दिवस के मौके पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सन 1962 से डॉक्टर राधाकृष्ण पल्ली जी थे, उनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ये 58वां शिक्षक दिवस है। ये जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो शिक्षक और गुरु को जो एक रिश्ता होता है ना, बड़ा पावन रिश्ता होता है, बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। दुनिया में लाती तो माँ, लेकिन दुनियादारी गुरु सिखाता है, एक शिक्षक सिखाता है। हर इंसान के जीवन में बहुत सारे शिक्षक, जिससे हम कुछ भी सीखते हैं वो शिक्षक होता है। लेकिन जो स्कूल का जो शिक्षक होता है, जो हमारी जो बेस हमारा तैयार करता है, जो एक खाली कैनवस पर जो रंग भरता है, वो स्कूल का शिक्षक होता है। आज हम कुछ भी हैं, आज हम जो भी बने हैं, हमारे माँ बाप का तो हमारे पर है ही आशीर्वाद, लेकिन हमारे उन गुरुओं का भी है जिन्होंने हमें शिक्षा देकर यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं अपने जो भी मेरे गुरु रहे स्कूल टाइम से, जब से हम स्कूल में जाना शुरू करें और जब तक स्कूल कॉलेज तक गए हैं, आज मैं सभी अपने गुरुओं को अपने हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ कि वो जहाँ पर भी हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें और ऐसे ही अपना ज्ञान बिखेरते रहें स्कूलों के अंदर, ऐसे ही बच्चों को अपने ज्ञान दे बांटते रहें अपना। साथ ही साथ ही मैं अभिभावकों पर से कहना चाहती हूँ कि अब घर में भी बच्चों को बताएं कि किस तरीके से एक शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। कहीं ना कहीं आज के परिवेश में हमें लग रहा है कि शिक्षक के सम्मान में कमी आई है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा दुखद लगता है, क्योंकि एक शिक्षक जो बच्चे को, मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा उसको ये लगता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा ये बने या ये बने, उसको वो कुम्हार की तरह जैसे मटके को शेप कुम्हार देता है, वैसे एक टीचर होती है, ऊपर से गुस्सा दिखाते लेकिन अंदर से वो बच्चों को सपोर्ट देती है कि नहीं, मेरा बच्चा कुछ बने, मेरे स्कूल का कुछ बच्चा बने, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। बच्चे को कभी टीवी पे भी देखती है तो कह रही है, ये बच्चा मेरे स्कूल का है, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया है। तो जो शिक्षक की खुशी होती है ना, वो बयान करने वाली नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है खुद और हम लोगों ने इस भी चीज़ का एक्सपीरियंस भी लिया है। कि मतलब मैं बताना चाहती हूँ खुद की, मेरी खुद की अध्यापक जो मतलब हमें स्कूल में पढ़ाती थी और वो चिल्ला रही है, कुसुम है ये, हम इसको हमने पढ़ाया है, ये आज निगम पार्षद है। तो मतलब जो खुशी होती है ना उनके अध्यापक के, उसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। वो इतना बच्चों को देख के खुश होते हैं। आज कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, कोई चाहे राष्ट्रपति है, हर किसी को शिक्षक ने ही यहाँ तक पहुँचाया है। तो शिक्षकों का जो सम्मान है वो हमारे दिल में है और हमेशा रहेगा। सभी शिक्षकों को पुनः, मेरे भी जो शिक्षक रहे सभी पुनः, सभी को मैं हृदय की गहराई से नमन करती हूँ और सभी को फिर शुभकामनाएं देती हूँ शिक्षक दिवस की। धन्यवाद। मैम क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप, एक खुद स्कूल की प्रधानाचार्य? मैं स्कूल की प्रधानाचार्य होने के नाते सबसे पहले अपने वार्ड की निगम पार्षदा श्रीमती कुसुम तोमर जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके हमारे बच्चों का और हमारे टीचरों का हौसला अफजाई करें। पहले भी निगम पार्षद रहे, क्या ऐसा कोई नया देखने को मिला जब से ये आए हैं? हाँ, बहुत देखने को मिला। डिजिटल इंडिया मैम बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं और मैडम ने अभी अभी एक नया फेसबुक पेज भी शुरू किया है, तो उससे लग रहा है कि हमारे स्कूलों में इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब आशा की किरण। आई होप सो। यस जैन साहब, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं खुद की तरफ से और अपनी समर सोसाइटी महेंद्र फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं शिक्षक के मौके पर। और आजकल के बच्चों को बोलता हूं कि जैसे हम सम्मान करा करते हैं आज तक अपने शिक्षकों का, कि वो भी जो है आने वाले फ्यूचर्स में और अभी भी अपने शिक्षकों